एवरीवन, मेरा नाम है यथार्थ और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th अल्कोहल फेनॉल और ईथर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी जो इसमें आती है, कंडीशन आती है, जो कैटेगरी है हमारी, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे एक रिएक्शन जो कि है कोल्ब्स रिएक्शन। और थर्ड होगी हमारी रीमर टीमर रिएक्शन। और फोर्थ होने वाली है हमारी रिडक्शन। एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन। सो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली कैटेगरी से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे अंडर सबसे पहली दो चीज़ें आती हैं, हैलोजनेशन और नाइट्रेशन। तो हैलोजनेशन से शुरुआत करते हैं। तो आज सभी को पता है हैलोजनेशन क्या है, हमारे हैलोजन्स जो कि होते हैं Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह और सब, जिसे हम एक्स से डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजनेशन की बात करते हैं। तो हमें इसमें रिएक्शन करनी है फेनॉल के साथ, तो हमारा रिएक्टेंट हमेशा फेनॉल रहेगा। अब अगर हमें हैलोजनेशन करनी है तो सबसे हमें पहले एक हैलोजन रखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना चूज़ करते हैं ब्रोमीन को, Br2 विद वाटर। तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्रोमीन जो है हमारा ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों सब्स्टिट्यूटिंग होता है, जो हमारा एक सिंपल प्रोडक्ट बनाता है जो कि होता है ट्राइब्रोमो फेनॉल। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पर भी लगा है, पैरा पर भी लगा है और मेटा पर भी लगा है। तो हम इसे नाम देते हैं ट्राई ब्रोमो फेनॉल। अब इसको हम एक रिएक्शन थोड़े अलग वे में भी कर सकते हैं। लाइक हम अगर मैं इसका रिएजेंट बदल दूँ, रिएजेंट अगर मैं इसका कर दूँ CS2। अब CS2 एक्चुअली एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा CS2 नथिंग बट ये हमारे दो मेन हमारे दो प्रोडक्ट्स देगा, एक पैरा पर ब्रोमीन और एक ऑर्थो पर। जहाँ हमारा पैरा वाला जो कंपाउंड है वो हमारा मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर। तो यही थी हमारी हैलोजनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आज सभी को पता है, नाइट्रेशन का हमारा कंपाउंड कौन सा है, NO2। तो फेनॉल के साथ हम अगर हमें NO2 लगाना है तो हमें HNO3 से रिएक्ट करवाना होगा। तो हम इसमें रिएक्ट कर देंगे कंसंट्रेटेड HNO3, जो कि आज हमारा पिछले तरीके से ही हमारा कंपाउंड देगा, मतलब प्रोडक्ट
ट्राइनाइट्रो फेनॉल। तो ये है हमारा ट्राइनाइट्रोफेनॉल, हमारी नाइट्रेशन की रिएक्शन, जो कंसंट्रेटेड HNO3 एज अ रिएजेंट यूज होकर फेनॉल से ये बनता है। अब हम इसका एक दूसरा पार्ट जो कि ले सकते हैं वो होती है हमारी डाइल्यूट HNO3 के साथ, जिसमें सेम हमने जैसे ब्रोमीन में पढ़ा वही हमारा एक पैरा कंपोनेंट और एक ऑर्थो कंपोनेंट देगा। डाइल्यूट HNO3 के साथ जो कि ये हमारे डाइल्यूट HNO3 के एज ए रिएजेंट यूज़ करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम आज जैसे इसमें हमारा जो हमारा यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड जो है वो हमारा पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये हमारा मेजर कंपोनेंट होगा जो बनेगा इसमें, और ये माइनर जो कि ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो यही था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कोल्ब्स रिएक्शन। तो अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहूँगा कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है वो सही है या नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या प्लीज़। मेरा नाम सुमन है, मेरा डाउट ये है कि इन लोगों में से स्टीम वॉलेटाइल है और क्यों है? हमारा स्टीम वॉलेटाइल की अगर बात करें, हमारा जो पैरा सब्स्टिट्यूटिंग था यहाँ पे, पैरा सब्स्टिट्यूटिंग जो है हमारे इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें रहती है, और जो ऑर्थो हमारा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटिंग था, उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर होती है, एंड दैट्स द रीज़न, दैट्स वाई वहाँ पे हमारा जो ऑर्थो है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है। और अगला कोई क्वेश्चन? पैरा वाला मेजर इसलिए बना क्योंकि वो सिमेट्री शो करता है, और ऑर्थो वाला, अब अगर आप ऑर्थो और पैरा अगर दो कंपोनेंट्स अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो यहाँ पे, लाइक हमने नाइट्रोजन नाइट्रो वाला ले लेते हैं कि ये फेनॉल है, अब हमारा नाइट्रो एक बार इस पे लगा है और एक बार हमारा ऑर्थो पे लगा है, अब आप मुझे खुद बता दो कि इसमें ज़्यादा सिमेट्री आपको किस में लग रही है? पैरा पोजिशन पर, इसलिए सिमेट्री के लिए, इसलिए वो मेजर हमारा मेजरली बनता है, और ऑर्थो माइनर में। और आगे के टॉपिक हम बाद में करेंगे, तो तब तक स्टे ट्यून टू दिस चैनल।